गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स की साइंस की वर्कशीट। आज आपकी साइंस की वर्कशीट आई है तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों पौधों के विभिन्न भाग, पौधों के कौन से भाग होते हैं और उसका क्या कार्य होता है, ये हम आज की विज्ञान की वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और बच्चों, ये हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, पौधों के जो अलग अलग भाग है उसमें क्या है, पौधों में जड़, तना, फूल और पत्तियां होती हैं। जड़ ज़मीन के नीचे होती है और तना हरा होता है और ये कभी भूरे रंग का भी होता है। आपने देखा होगा मोस्टली जो पेड़ होते हैं उसमें तना हमेशा भूरे रंग का पाया जाता है और जो पौधा होता है जब वो उगता है तो हमेशा तना क्या होता है, हरे रंग का पाया जाता है, जिस पर पत्तियां पाई जाती हैं और जो हरे रंग की होती हैं। तने पर पत्तियां पाई जाती हैं, मतलब जो स्टेम होती है उस पर लीव्स होती है और लीव्स का कलर क्या होता है बच्चों, ग्रीन। फूल क्या होते हैं बच्चों, रंग बिरंगे, किसी में लाल, पीला, पिंक, ब्लू, अलग अलग तरह के कलर के फूल पाए जाते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, खुशबूदार होते हैं, मतलब जिसमें से खुशबू आती है। तो बच्चों, आप पौधों के अलग अलग भाग की भूमिका का वर्णन करें जो एक पौधे को जीवित रखने और स्वस्थ रखता है। आपको नीचे अलग अलग पौधे के पार्ट्स दिए गए हैं, उनको देखिए और बताइए कि कौन सा पौधे का पार्ट कौन सा कार्य करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है फूल, पत्ती, फल, तना और जड़। तो पौधों के मेनली यही सारे मेन भाग होते हैं, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, स्टेम और रूट्स। अब आपको क्या करना है, इनके फंक्शन लिखने हैं, इनके कार्य लिखने हैं। तो बच्चों, तना क्या करता है, तना पौधे को सीधा रखने में मदद करता है, तना पौधे को सीधे रखने में मदद करता है। और जड़ें क्या करती हैं बच्चों, जड़ों का कार्य होता है कि वह पूरे पौधे में जल व खनिज लेकर जाते हैं, पूरे पौधों में जल व खनिज लेकर जाते हैं। जो जड़ें होती हैं वह पूरे पौधों में जल और खनिज लेकर जाते हैं। और उसके बाद पत्ती क्या होती है बच्चों, पत्ती भोजन बनाती है, वो प्रकाश, चलिए नहीं यूज़ करते, पत्तियाँ पौधों का भोजन बनाने में मदद करती हैं। पत्तियाँ पौधों का भोजन बनाने में मदद करती हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं हेल्प्स इन मेकिंग फूड, लीव्स हेल्प इन मेकिंग फूड। अब उसके बाद है फूल। फूल का क्या कार्य होता है बच्चों, फूल क्या होता है, बहुत रंग बिरंगे होते हैं ये, जीवों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, वह यह है जीवों को अपने ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि ये खुशबूदार होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं और पोलन ट्रांसफ़र में एक तरह से हम लिख सकते हैं कि ये है मेन जो इसका कार्य है बच्चों, यह है जनन प्रक्रिया में मदद करते हैं, यह है जनन प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो बच्चों, फूल का मेन कार्य क्या होता है कि यह जनन प्रक्रिया में मदद करते हैं, पत्तियां भोजन बनाने में मदद करता है और जो तना होता है स्टेम वो आपकी पौधे को सीधा करने में, खड़ा रहने में मदद करता है। उसके साथ बच्चों रूट्स भी, जो जड़ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो भी पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करती हैं।
और जो जड़ है उसका क्या काम है कि जब हम पानी जड़ों में डालते हैं तो जड़ों से पानी क्या होगा, पूरे पौधों में जाएगा। तो वो कौन लेके जाएगा? जड़ें। हाँ बोलो। इसका काम क्या होता है, हम जो पौधों में पानी डालते हैं वह पानी पूरे पौधों में कैसे जाएगा? जड़ के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की साइंस की विज्ञान की वर्कशीट क्लास सिक्स की। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी हिंदी की वर्कशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में बच्चों आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसके साथ लिखे वाक्यों को पढ़कर तथा रेखा के जो शब्द को अंडरलाइन है उनको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बच्चे खड़े हैं और पीछे क्या है? कुतुब मीनार। पीछे क्या है? कुतुब मीनार। तो मनोज ने अपने दोस्त सोहन, तो दोनों दोस्त के नाम क्या है बच्चों? मनोज और सोहन। मनोज अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली के, कहाँ के? दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। पहला वाक्य क्या है? मनोज ने अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। उसकी बनावट और ऊंचाई, उसकी जो बनावट और जो ऊंचाई है उसको देखकर दोनों दंग रह गए वह, और फिर उन्होंने वहाँ पे आइसक्रीम खाई और चॉकलेट भी खरीदी। ऊपर के वाक्यों में मोहन सोहन ये क्या है बच्चों? प्राणियों के नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है। आइसक्रीम चॉकलेट वस्तुओं के नाम है। बनावट और ऊंचाई उसके भाव है। बनावट ऊंचाई क्या है? भाव। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी, हमने बच्चों एक पैराग्राफ पढ़ा इस चित्र, ये जो आपको चित्र दिया गया है उसके हिसाब से हमने एक पैराग्राफ पढ़ा। उस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि दो दोस्त हैं, कौन से? मोहन और सोहन। तो ये क्या है? व्यक्तियों के नाम। दोनों कहाँ गए? दिल्ली में कुतुब मीनार देखने। तो ये क्या हो गया? हमारा स्थान का नाम। फिर उन्होंने किसका डिस्कस किया? वहाँ की बनावट ऊंचाई। ये क्या हो गया? उनके भाव के नाम। वहाँ पे उन्होंने जो वस्तुएं खाई तो क्या हो गए? वस्तुओं के नाम। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा कैसे कहते हैं बच्चों? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी और स्थान या भाव को। जो व्यक्ति है जैसे कि राम, मोहन, गणेश, महेश, किसी का नाम। वस्तु मतलब पानी, फल, पुस्तक इत्यादि। प्राणी मनुष्य, पशु, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य, शिशु, स्त्री, पुरुष। ठीक है, स्थान कोई भी स्थान हो, दिल्ली, मुंबई, गांव, शहर। ठीक है, भाव किसी की अच्छाई, बुराई, ऊंचाई, बनावट, ये सारे क्या हो गए? भाव। तो हमने आज सीखा संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है बच्चों? किसी जगह, स्थान, व्यक्ति के बारे में या भाव के नाम को हम संख्या कहते हैं। और इसके प्रकार देखें कि जिसमें व्यक्ति का वर्णन हो, वस्तु का वर्णन हो, प्राणी स्थानीय भाव का वर्णन हो। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन सब में से संख्या छाट कर लिखनी है। पिताजी बाजार से फल लाए। बच्चों जो फल है वो क्या होगी आपकी? फल हो गई आपकी वस्तु। फल क्या हो गया बच्चों? वस्तु। ठीक है, भारत का ध्वज बहुत प्यारा है। जो प्यारा शब्द है वो क्या है आपका? भाव। प्यारा शब्द क्या है? भाव। ठीक है, भारत क्या है आपका? स्थान। ठीक है, और इसमें बच्चों बाजार भी क्या आएगा? स्थान। पिताजी बाजार से सामान लाए, तो बाजार है आपका स्थान। फल हो गया आपकी वस्तु, भारत है आपका स्थान, प्यारा हो गया आपका भाव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार और दिल्ली दोनों ही क्या है? स्थान के नाम। कुतुब मीनार और दिल्ली दोनों ही क्या है? स्थान के नाम। अब आगे है जयपुर सुंदर शहर है। तो जयपुर और शहर ये दोनों क्या हो गए बच्चों? स्थान। जयपुर और शहर हो गए स्थान, और सुंदर हो गया हमारा भाव। ठीक है, जयपुर और शहर हो गए आपके स्थान, और सुंदर हो गया हमारा भाव। उसके बाद है मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है। मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है, अच्छा हो गया आपका भाव, विद्यालय हो गया आपका स्थान। ठीक है, जगह का नाम बता रहे हैं तो विद्यालय हो गया आपका स्थान, अच्छा क्या हो गया? भाव। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दी गई वर्ग पहेली में से संख्या शब्द ढूंढकर लिखिए। देखिए आपको इसमें से संख्या ढूंढनी है।
सूर्य, अच्छाई, अमृत, प्रेम, जयपुर, रामायण, ठीक है, और इसके नीचे भी है गणेश और शहर, ठीक है, और इसके अलावा भी आपको जो मिले वो आप मार्क कर सकते हैं। ये सभी हमने क्या ढूंढे बच्चों, संख्या, ठीक है, जैसे कि सूरज, प्रेम, अमृत, अच्छाई, जयपुर, रामायण, गणेश, शहर, ओके। तो बच्चों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपकी पहले साइंस की, विज्ञान की वर्कशीट और फिर हिंदी की जो कॉमन वर्कशीट आई है वो वर्कशीट हमने डिस्कस करी। इंग्लिश मीडियम वाले भी वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये हिंदी की वर्कशीट जो है वो आपकी हिंदी मीडियम में ही रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।